Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. Hello. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की न्यू मूवी जिसका नाम है गुड न्यूज मूवी के कलेक्शन के बारे में। मूवी ने टोटल कितना कलेक्शन कर लिया है, मूवी की आज के दिन की क्या रिपोर्ट्स है, तो यानी कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखिए, आजकल आप देख रहे होंगे नई नई मूवीज रिलीज होती है, काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स की मूवी भी रिलीज होती है, मूवी को रिव्यूज़ मिलते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स हैं जो कि मूवी रिव्यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे चैनल्स हैं। तो आप देखते होंगे कोई मूवी को गंदा कह रहा है, कोई मूवी को अच्छा कह रहा है, कोई मूवी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है गंदे तरीके से। तो आजकल जितनी भी ऑडियंस है वो भी उसी तरह से हो गई है। देखिए, ऑडियंस को भी इतना पता है कि कौन सा क्रिटिक्स रिव्यू कैसा देता है, कौन से क्रिटिक्स को रिव्यू पसंद आती है नहीं। देखिए, हाल ही में आपको पता है तानाजी दानसंग वाली मूवी भी रिलीज हुई है और उस मूवी को भी रिव्यूज़ मिले हैं, मूवी अच्छा परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस में। हालांकि अगर आप सोशल मीडिया पर जाके रिव्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा, खासकर क्रिटिक्स से। उसी तरह से गुड न्यूज़ के साथ भी हुआ था, काफ़ी क्रिटिक्स ने इस मूवी को पसंद भी किया था, लेकिन काफ़ी क्रिटिक्स थे जो कि मूवी को नहीं इतना उन्हें पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर भी ये मूवी इतना पसंद की जा रही है नॉर्मल ऑडियंस के द्वारा। तो यानी कि मेरा कहने का मकसद या कहने का तात्पर्य यही है कि आजकल क्रिटिक्स निग्लेक्ट हो चुके हैं। जैसे आपको पता होगा कि क्रिटिक्स को अब कोई सीरियसली नहीं लेता, लेकिन काफ़ी बार क्योंकि ऐसा हो चुका है कि क्रिटिक्स बहुत ही अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के रिव्यूज़ करते हैं, उनका रिव्यू अब उतना लोग नहीं समझते, उतना परखते नहीं, सिर्फ देखते हैं, लाइक डिसलाइक करके चले जाते हैं, उनको उनका फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कोई कह रहा है। लेकिन अगर बात करूँ गुड न्यूज़ की, तो ये बॉक्स ऑफिस में उतना ही अच्छा परफॉर्म करी है। इसमें दिलजीत दोसांझ, अक्षय कुमार, करीना कपूर, कायरा अडवाणी मेन लीडिंग रोल में थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। मूवी को 17 डेज कल कंप्लीट हो चुके हैं। मूवी ने अपने 17th डे में ऑफिशियल कलेक्शन किया था 3 करोड़ 60 लाख। मैंने आपको कल शाम को ही यह कलेक्शन बता दिया था कि मूवी लगभग 3 करोड़ 50 से 3 करोड़ 60 लाख के आसपास का कलेक्शन करने वाली है। अगर टोटल कलेक्शन की बात करूं तो 190 करोड़ 9 लाख का मूवी का नेट ऑल ओवर इंडिया में कलेक्शन हो चुका है, और अगर बात करूं वर्ल्ड वाइड की तो मूवी ने 292 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। वहीं अगर मूवी के 18th डे की बात करूं तो आज है मंडे, आज कोई भी हॉलीडे या कोई बड़ी छुट्टी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आज के दिन भी आपको कलेक्शन में थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिल सकता है, क्योंकि तानाजी दानसंग वालियर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है ऑडियंस से। अगर बात करूँ मूवी के कलेक्शन की, तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ 50 लाख के आसपास का भी मूवी का कलेक्शन होता है, तो मूवी का टोटल कलेक्शन हो जाएगा 191 करोड़ 60 लाख। और वहीं अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो मूवी 294 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। ये जो मूवी का रिव्यू रहने वाला है इसे आप कह सकते हैं, बल्कि कलेक्शन रहने वाला है इसे आप कह सकते हैं कि ये ऑफिशियली मूवी अब सुपरहिट हो चुकी है। हालांकि अगर बात करूँ 200 करोड़ की, अभी 200 करोड़ से थोड़ी दूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत इस मूवी को आने वाली है। 200 करोड़ इंडिया में और 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड में भी मूवी इजीली कर जाएगी। आपको क्या कहना है सुपरस्टार अक्षय कुमार, दिलजीत दोसांझ, करीना कपूर और कायरा अडवाणी की मूवी गुड न्यूज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।